आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड जिसका नाम तो पहले टेक क्रेजी, तो दोस्तों चैनल का नाम टेक क्रेजी से एसआर मोटो वर्ल्ड मैंने कर दिया है। काम तो मेरा दोस्तों वही है लेकिन पहचान नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा होंडा एक्टिवा 5G के बारे में। आप सभी को मालूम होगा या हो सकता है किसी को नहीं भी मालूम, तो मैं बता देता हूं कि होंडा एक्टिवा 5G अभी अभी कंपनी ने 2018 में रिसेंटली लॉन्च करी है, जिसको ऑटो एक्सपो फेब में कंपनी ने शोकेस भी करा था। तो इस वीडियो में मैं आपसे होंडा एक्टिवा 5G के बारे में बात करने वाला हूं। ये कोई रिव्यू नहीं है, कोई वॉक अराउंड नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है दोस्तों। ये एक मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि मैं होंडा एक्टिवा 5G के लॉन्च होने के बाद उसके जो चेंजेस कंपनी ने करे हैं उन चेंजेस के बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करूंगा और ये समझ लें कि मैं आपसे बात कर रहा हूं होंडा एक्टिवा 5G के बारे में। और दोस्तों हो सकता है इस पर्सनल इंटरेक्शन में मैं जो है कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको दे दूं गाड़ी के बारे में, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो के साथ और हो सकता है जो डिटेल आप ढूंढ रहे हो वो आपको इस वीडियो में मिल जाए। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि होंडा एक्टिवा जो है वो इंडिया की बेस्ट सेलिंग स्कूटर बहुत टाइम से रही है, लेकिन इंडिया की बेस्ट सेलिंग स्कूटर है, लेकिन 3G से 4G जब हुई थी होंडा एक्टिवा तो उसमें भी कंपनी ने कोई बड़े चेंजेस नहीं करे थे, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करे थे, कलर स्कीम्स में चेंजेस करे थे, कोई भी बड़ा चेंज कंपनी ने उसमें नहीं करा था। तो अब कंपनी को ये दिमाग में आई है, कंपनी ने सोचा है कि भाई जो है हमारी गाड़ी जो है टॉप पे चलती है, इंडिया में बेस्ट सेलिंग स्कूटर है, तो क्यों ना हम इसमें चेंजेस करें और इसको एडवांस बनाएं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे इसका तगड़ा कॉम्पिटिशन हम कराएं। तो इसलिए जो है होंडा एक्टिवा 5G लॉन्च करी है कंपनी ने और उसमें मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कंपनी ने मैकेनिकल चेंजेस कुछ भी नहीं करे हैं, सिर्फ इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। वो कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत छोटे छोटे नहीं है जैसे 3G 4G में हुए थे, बहुत बड़े बड़े मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस इस गाड़ी में कंपनी ने करे हैं। देखिए सबसे पहले जो कॉस्मेटिक चेंज है वो इसके लुक्स में है कि फुल मेटल बॉडी इसमें कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है और कट्स एंड क्रीसेस में भी गाड़ी की थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाता है ऑल LED हेडलैम्प इसका, जो होंडा ग्राजिया में कंपनी ने स्कूटर सेगमेंट में सबसे पहले प्रोवाइड करा था। तो अब आपको LED DRLs और ऑल LED हेडलैम्प इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्रोम गार्निश भी देखने को मिलता है। जिन लोगों को क्रोम थोड़ा अच्छा लगता है गाड़ी पर उन्हें भी एक्टिवा 5G पसंद आएगी। उसके बाद इसके लुक्स में ऑल मेटल बॉडी में फ्रंट पैनल पे जो रबर आती थी ब्लैक कलर की, उस रबर के साइड में भी कंपनी ने क्रोम गार्निश दोस्तों प्रोवाइड कर दिया है। वो क्रोम गार्निश प्रोवाइड करने से जो क्रोम लवर्स हैं उन्हें भी ये चीज़ पसंद आएगी। उसके बाद कंपनी ने कन्वीनियंस को देखते हुए दोस्तों इसमें जो इग्निशन की स्लॉट होता है उसमें भी कंपनी ने चेंज करा है। होंडा ग्राजिया का इग्निशन की स्लॉट एज इट इज़ इस गाड़ी में ला के रख दिया है, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है अपनी अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करने के लिए। अंडर सीट स्टोरेज ओपन करने के लिए आपको चाबी निकाल कर किसी दूसरे की स्लॉट में नहीं लगानी पड़ेगी। जो आपका इग्निशन की स्लॉट है उसके साइड में एक बटन प्रोवाइडेड है, जिस बटन को आप दबाएंगे, जब चाबी लगी होगी उस बटन को आप दबाएंगे तो अंडर सीट स्टोरेज आपका खुल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें भी कंपनी एडवांस्ड हो गई है। उसके बाद कंपनी ने एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग टैंक अभी भी नहीं दिया है, तो थोड़ा बहुत फ्यूल टैंक पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें एक माइनर सा चेंज है, वो ये है कि इसमें आपको ऑप्शनल मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है कि आप उसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगवा सकते हैं। उसके बाद 18 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज वही एज इट इज़ आपको पुरानी वाली देखने को मिलती है। कंपनी ने अंडर सीट स्टोरेज में कोई भी चेंज नहीं करा। मेरा ये मानना था कि कंपनी को 2 लीटर से 3 लीटर तक की अंडर सीट स्टोरेज इसकी बढ़ा देनी चाहिए थी ताकि एक अच्छा सा फुल फेस हेलमेट इसमें आ जाए। उसके बाद जो कंपनी ने एक और चीज़ प्रोवाइड करी है वो है इसमें दोस्तों फ्रंट हुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप अपने निकनैक्स और कोई भी सामान इस पर टांग पाएं। और एज इट इज़ जो सीट के नीचे वाला हुक था डी अटैचेबल, वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे मेजर चेंज है, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 2 वेरियंट्स आएंगे एक्टिवा 5G में। एक आएगा स्टैंडर्ड वेरियंट और एक आएगा डीएलएक्स वेरियंट। तो डीलक्स जो वेरियंट है दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलेगा पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या, एक तो आपको इकोनॉमी इंडिकेटर मिल गया है कि आप इकोनॉमी पर चला रहे हैं और आप मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी अपनी गाड़ी पे गेन कर पाएंगे, वो लाइट आपको मिल गई। उसमें एक स्क्रीन है कि और एक एनालॉग स्पीडोमीटर है, आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर और इको स्पीड इंडिकेटर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं डीलक्स वेरियंट में। और अगर आप स्टैंडर्ड वेरियंट पर जाते हैं एक्टिवा 5G के, तो वही पुराना आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अभी भी अखरती है होंडा एक्टिवा 5G पे, वो ये है कि दोस्तों सस्पेंशन सेटअप पे कंपनी ने चेंज नहीं करा है। सस्पेंशन सेटअप थोड़े से सॉफ्टर साइड पे कंपनी ने कर दिए हैं, बुश में उसके चेंजेस करे हैं, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन हाइड्रोलिक प्रोवाइड करा है। फ्रंट सस्पेंशन अभी सभी जितनी भी स्कूटर्स हैं होंडा के अलावा, उन सभी में फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। तो अगर ये जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन रहते हैं इसके रोड के पॉटहोल्स पर, ये इतने अच्छे कंफर्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते, और रियर सस्पेंशन भी स्प्रिंग लोडेड हैं।
तो इसलिए जो है कंपनी को सस्पेंशन सेटअप पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था और कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इंजन की बात करें तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैकेनिकल चेंजेस कंपनी ने इसमें गाड़ी में कुछ भी नहीं करे। मैकेनिकल चेंजेस यानी कि इंजन जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज एक्टिवा 4G एक्टिवा 3G वाला सेम इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो 8 bhp की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और 9 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो 110 cc का एयर कूल्ड BS4 कंप्लायंट इंजन है। इसमें आपको होंडा की पेटेंटेड HET टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, HET टेक्नोलॉजी होंडा इको टेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको जो है अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी गेन करने में वो आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे दोनों ही टायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं 10 इंच के, जो ट्यूबलेस टायर्स हैं। ट्यूबलेस टायर्स से आपको फायदा ये होगा कहीं पर भी अगर आपके टायर में कील चली जाती है तो वो कील जो है वहीं टायर में फंस जाएगी और उस हवा को नहीं निकलने देगी और जो डिफ्लेशन होगा वो दोस्तों टायर का बहुत धीरे धीरे होगा, तो आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं फ्लैट टायर पर वॉक कर पाएंगे। ब्रेक्स की बात करें तो दोस्तों होंडा का अभी भी दिमाग काम नहीं करा। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम तो होंडा सेफ्टी को बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है देता है, जिसमें इक्वलाइजर प्रोवाइडेड रहता है। जब आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कुछ रेशियो में फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होता है, जिससे जो सडन ब्रेकिंग सिचुएशंस रहती हैं, जब आप एकदम से ब्रेक कभी भी डर के मारे लगा देते हैं तो उस सिचुएशन में जो है ब्रेक एकदम से व्हील्स को लॉक नहीं करता है, जिससे आपकी गाड़ी स्किड होने से बच जाती है। मतलब ये ABS और CVS थोड़ा बहुत काम की चीज़ है। तो अब ये जो चीज़ है दोस्तों, इसमें कंपनी ने CVS तो प्रोवाइड कर दिया लेकिन दोनों ही ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइडेड हैं 130 mm के। कंपनी ने इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन दोस्तों प्रोवाइड नहीं करा। डिस्क ब्रेक का ऑप्शन हर स्कूटर में दोस्तों आजकल की आपको हर स्कूटर में देखने को मिल रहा है, और यामाहा रेजियर हुई चाहे वो जुपिटर का जो भी गाड़ियां हुई, मेनली जो भी स्कूटर्स हैं उन सब स्कूटर्स में दोस्तों आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो डिस्क ब्रेक अब दोस्तों ऑप्शनल भी आपने नहीं प्रोवाइड करा तो ये एक बुरी बात है, डिस्क ब्रेक भी कंपनी को प्रोवाइड दोस्तों कर देना चाहिए था। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे रेलेवेंट स्पेसिफिकेशंस की, तो रेलेवेंट स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है आपका वेट। तो वेट जो है इसका वही 109 kg का है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 153 mm का है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 5.3 लीटर्स की है और जो क्लेम्ड माइलेज है वो 60 km/L का है, तो अप्रॉक्स 45-55 तक के बीच में आपको इसमें माइलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों कंपनी में जो एक और चीज़ मुझे अजीब सी लगती है एक्टिवा में, मेनली एक्टिवा में ये चीज़ अजीब सी लगती है कि अलॉय व्हील कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करे। दोस्तों 10 इंच अलॉय व्हील्स कंपनी प्रोवाइड कर देती या एज अ ऑप्शनल प्रोवाइड कर देती है किसी को अगर एक्टिवा, वैसे ही दोस्तों इतनी बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। अब दोस्तों अलॉय व्हील और इतनी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे ना एक्टिवा को लोग छोड़ लाए धीरे धीरे, मतलब कोई लेता है कोई नहीं लेता, कोई सोचता है यार अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहा है हमें, अब कंपनी इतनी अच्छी बेस्ट सेलिंग स्कूटर है उसमें अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर देती, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पे आती है वो है दोस्तों 10 इंच व्हील्स दोस्तों छोटे लगते हैं मेरे हिसाब से। अगर इसमें कंपनी 12 इंच के व्हील्स प्रोवाइड कर देती तो उससे हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की अच्छी हो जाती और थोड़ा बहुत अच्छी हैंडलिंग भी इसकी बेटर हो जाती, लेकिन अभी भी कंपनी ने 10 इंच व्हील्स ही इसमें प्रोवाइड करे हैं। बाकी जो भी दोस्तों इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जैसे इग्निशन की स्लॉट, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट LED हेडलैम्प और क्रोम गार्निश, ये सब चीज़ें जो हैं कंपनी ने चेंज करी हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करे हैं। तो दोस्तों यही थी एक ऑनेस्ट ओपिनियन और यही थी बस आपसे बात और यही सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बतानी थी कि क्या क्या चेंजेस एक्चुअली कंपनी ने इसमें करे हैं। और डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है, इंजन वाइज एक्टिवा बहुत रिलायबल है। कुछ लोग बहुत सालों से एक्टिवा को चला रहे हैं और इंजन आप जितने अच्छे से मेंटेन करेंगे इसका इंजन उतना अच्छा चलेगा, और रिफाइनमेंट और इनिशियल पिकअप के मामले में भी इंजन बहुत अच्छा है, चाहे तो आप बिल्कुल एक्टिवा 5G ले सकते हैं। और ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं ये बिल्कुल वर्थ हैं इसकी प्राइस के लिए। तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस है 252,000 अप्रॉक्स, और जो डीलक्स वेरिएंट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल पार्ट डिजिटल देखने को मिल रहा है उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 54,000 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली दोस्तों पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज।